Singh Raj, who won a bronze medal in 50-meter freestyle shooting at Para-Asian Games, credited the success of his and para-players to the government's sports policies. He said that there has been a lot of change in government policies and due to them, we have returned home with medals. धन्यवाद सभी का मुश्किल तो था लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है मेहनत के आगे सब कुछ चलता है मेहनत के आगे मन में तो गोल्ड मेडल जीतने के लिए कोशिश करने के लिए कहा था लेकिन कंपटीशन के दौरान बढ़िया है जो भी मेडल लगा सिल्वर मेडल आया उसमें कुछ हो दो थ्रो मेरी फाउल हो गई जिनसे मेरा गोल्ड मेडल नहीं लगा उन थ्रो से तैयारी तो बहुत ज़्यादा कर रखी थी वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से तैयारी कर रखी थी लेकिन अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक में बनेगा अभी इस जनवरी से शुरू करते हैं दोबारा ट्रेनिंग उसके बाद फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हैं उनकी तैयारी करेंगे 2019 में टॉप्स की स्विमिंग स्कीम में मैं भी हूँ और पिछले 4 साल से उसमें पोडियम में चल रहा हूँ मैं बाहर ट्रेनिंग के लिए भी भेजे थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने 4 महीने के लिए हम फिनलैंड ट्रेनिंग करके आए हैं वहाँ भी बहुत अच्छा लगा ट्रेनिंग करके और वहाँ की तैयारी की वजह से हमें अभी नेक्स्ट जो ये एशियन गेम है उसका फ़ायदा मिला हमारे को वहाँ प्रैक्टिस करने का जो ये मेडल मेरा ओलंपिक में ये मान लो जो मैंने 2 ओलंपिक चैंपियन को हरा के ये मेडल जीता है सिल्वर मेडल उनका ओलंपिक में मेडल था रियो ओलंपिक में और चाइना वाले का गोल्ड मेडल था तो उससे थोड़ा मैं पॉइंट से पीछे रह गया मैं अपने जितने भी एथलीट हैं जो भी पैरा के एथलीट हैं उनको यही कहना चाहता हूँ हौसला नहीं आना चाहिए जीत तुम्हारी होगी